इंडिया में क्रिकेट सिर्फ एक स्पोर्ट ही नहीं बल्कि लोगों के लिए धर्म है। यहाँ लोगों के काम रुक जाते हैं अगर टीवी पर इंडिया का मैच आ रहा हो तो। धोनी, सचिन, कोहली, रोहित, इंडिया में लोगों के लिए असली हीरो तो यही हैं। नॉर्मल मैच डे पर तो लोग ऑलरेडी कितने एक्साइटेड होते हैं, अब ज़रा ये सोचिए मैच अगर इंडिया पाकिस्तान का हो तो, और वो भी T20 वर्ल्ड कप, तब क्या होता होगा। कल देश में एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला। इस हफ्ते एक बात तो सिद्ध हो गई है कि पहले से दिए गए परिणामों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जहां आखिरी ओवर तक सबको लग रहा था कि ये मैच पाकिस्तान जीत जाएगा, वहीं टीम इंडिया ने 6 विकेट से मैच जीतकर पासा ही पलट दिया। नमस्कार, मैं हूं नव्यान श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे उन सेलेब्स की जिन्होंने टीम इंडिया की जीत की खुशी में जश्न मनाया। सबसे पहले बात करेंगे हाल ही में पापा बने वरुण धवन की। इंडिया की जीत के पल को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट करते हुए वरुण ने कैप्शन के साथ अपनी खुशी जाहिर करते हुए लिखा, क्या मैच, क्या प्रदर्शन, टीम इंडिया जय हिंद। वहीं उन्होंने अपनी स्टोरी में इंडियन प्लेयर जसप्रीत बुमराह को भी सराहा। सिर्फ वरुण ही नहीं, बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन ने भी टीम इंडिया को जीत की बधाई दी। वैसे अमिताभ हर बार टीम इंडिया को विश करते रहते हैं, उनका प्रोत्साहन बढ़ाते रहते हैं और इस बार भी उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि अरे बाप रे बाप, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच देख रहे थे और बीच में बंद कर दिया टीवी। जब लगा हार तो रहे हैं हम, लेकिन अभी अचानक इंटरनेट देखा और हम जीत गए, इंडिया इंडिया इंडिया। वहीं सिद्धार्थ मल्होत्रा कहाँ पीछे हटने वाले थे, उन्होंने भी टीम इंडिया को उनकी जीत पर कंग्रेचुलेट किया। वहीं चंदू चैंपियन उर्फ कार्तिक आर्यन ने भी इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर करते हुए लिखा कि चैंपियन बनेगी टीम इंडिया, क्या जीत है। बॉबी देओल से लेकर ईशान खट्टर तक सबने टीम इंडिया की जीत को सेलिब्रेट किया। वैसे किसी को नहीं पता था कि आखिरी में जीतेगा कौन। जैसे बिग बी ने कहा, टेंशन का माहौल बना हुआ था, लेकिन कहते हैं ना, क्रिकेट का मैच और वो भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो प्रेडिक्शन काम नहीं करते। वैसे आपको क्या लग रहा था कौन जीतेगा, कमेंट्स में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।